हेलो, अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों दोस्तों को। मैं आ गया हूँ जी फार्म पे वापस, और मेरे पीछे से बारिश हुई है कुछ ज़्यादा ही। सारा कटा हुआ घास भी ऊपर को आया हुआ है, लेकिन अब जो है ना मशीन हम लोग इस तरह लगवाते हैं कि जो है ना पहले से कदरे कम आया। पहले तो यहाँ पर पूरा पूरा पैच बन जाता था, कबूतर खोले हैं इसका मतलब हरून तो आया हुआ है। और उज़ैर आज थोड़ा लेट है, बाकी उसको देखें। इसका चूजे पता नहीं कब निकल रहे हैं। इसने जो है ना अंडा ही पड़े हुए हैं, चूजे कोई नहीं निकले इसके। आज देखते हैं किस डेट को बिठाई थी, कहीं ये अंडे भी खराब ही ना हो। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਮੁਰਗੀ ਕੋੜਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚਕੋਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅੰਡੇ ਡੇਲੀ ਦੋ ਉਹ ਯਾਰ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਲੈ ਆਓ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰੋਂ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ जितनी कल बारिश पड़ी है उस हिसाब से कुछ फील नहीं हो रहा कि आज कल बारिश पड़ी है, क्योंकि हालत जो है ना वो नहायत ख़राब हो गई है। अजीब हालत सही है, अभी हल्की सी हवा चली है, लेकिन बाहर जो है ना वो ना सांस लिया जा रहा ना खड़े हुआ जा रहा है। तो फिलहाल तो अभी अनार वाला काम भी नहीं अपना हो सकता। अगला 3 तो हमारे शिफ्ट हो गए हैं, एक और शिफ्ट होना है। उसका सुराख निकाला हुआ है, उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, और जिस जगह से निकालने वो जगह भी बहुत गीली है कल बारिश की वजह से। वो कल हुआ काम, आज फिलहाल जो है ना ये घास जो ऊपर आया हुआ है वो उठवा के जो है ना उसके साथ फिर फ्रेम के आगे काम कर लें। और साथ एक बंदे से बात करनी है मोरों की, अगर उसके साथ कोई बात बन जाए हमारी। तो एक बात वो बताना ही भूल गया, लोग जो है ना वो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे और ना लाइक करते हैं। अगर पसंद नहीं आती तो फिर कमेंट में लिख देना कि आज चीज़ पसंद नहीं आती। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो लाजमी करें, ताकि जो है हमें पता लगे कि जी कितने के लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सुपर यूनाइटेड फार्म फैमिली के अंदर। बाकी अब 3-4 दिन तो न्याजी भी छुट्टियों पर रहा है, अब आज उसको आ जाना चाहिए। ये वाला सिस्टम हमारा ठीक है, जब से वो शिकारी निकालनी है ना यहाँ पे लाशें आनी बंद हो गई हैं। शार के तो वैसे ही होम्योपैथिक सी होती हैं, वो कुछ नहीं करती किसी को भी जो है अपना। बाकी तो वैसे हैं सारी छोटी छोटी सी, शार के बंदा कहते भाई शार खाती होगी, लेकिन शार होम्योपैथिक है ये कुछ नहीं करती। और कबूतर भी अब जो है ना गर्मी करके जो है ना अंदर अंदर जाना कर रहे हैं, और चकोरे मुझे आके पता लगा कि वो अब अंडे रेगुलर दे रही हैं। तो इंक्यूबेटर दोस्त के पास जो पड़ा है हमारा, वो अब किसी दिन जाके ले ही आना है, ताकि रोज़ के रोज़ जो है ना हम लोग अंडे उसके अंदर रख दें, ख़राब होने का ख़तरा ही ना हो। अगर हमारा वो वाला दोस्त जो जिसके पास हमारा पड़ा हुआ है इंक्यूबेटर वो ब्लॉग देख रहा तो वो खुद ही दे जाए, मेहरबानी होगी, हमसे आके मिल भी जाए और हमें इंक्यूबेटर भी दे जाए। तो अब जो है ना नमाज पढ़ के तो फिर एक दफ़ा जो है नियत करके बाहर निकल जाना है, फिर जो गर्मी हल करेगी देखी जाएगी। आखिरकार जो है ना मेरा तो नमाज़ पढ़ना ही मारा जो है ना अल्लाह को पसंद आ गया, मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकला, हवा चलनी शुरू हो गई है और मौसम साथ ही बेहतर हो गया। और ये भी पहुँच गया है पहुंच गया है फाइनली। यार ये फिरा भी है, ये इस बारी बहुत कम आया है, जितनी कल बारिश पड़ी थी ना सो सकता है आधे घंटे में हुई है उतनी बारिश। हाँ, और घर एक कतरा भी नहीं पड़ा। नहीं पड़ा, ये मैं और रोन आ रहे थे उस टाइम, वो अंदर खुडियां दे जितनों कीड़े आ रहे हैं ना उधर सेट दे,
ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਖੋੜ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਜੜੋਂ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਲੇ ये थोड़ा थोड़ा हुआ है हालांकि मेरे साथ सबसे अच्छा ये निकल के लगा है लेकिन पूरा नहीं हुआ हल्का हल्का सा है इस तरह वो भी हुआ था वो बिल्कुल सही हो गया असल में इसका हुआ ये है ना हमने करके चले जाए बारिश आई है ना जगह पोली हो गई थी इसके साथ मिट्टी बैठ गई अंदर सब अभी हवा चलिए पहले मैं बाहर आया हूँ मेरी जज्बात सड़ गए थे हाँ जज्बात सड़ नहीं गए थे जज्बात खराब हो गए थे इधर तो नहीं अभी लगना नहीं ये आज नहीं लगाना यार आज ना यार वो लगा दो क्या वो एलोवेरा हाँ वो उधर लग सकता है एलोवेरा वहाँ लग सकता है और दूसरी बात वो मेरे शहर में देहात वालों ने भी एलोवेरा का एक पौधा लगाया हमें कॉपी किया हमें नहीं कॉपी किया उन्होंने अपना मंगवा के लगाया वैसे हमें बताते हम लोग स्पॉन्सर करते इतना बड़ा लेकिन उन्होंने अपने माली से मंगा के जो है लगवा लिया है हूँ पानी निकलता ना इधर बस सही है उधरों भी मसाला लगा के पक्का बंद करा देना चकोर ने कहा बतखा हो गई नहीं मुझे एक बंदे ने और ने भी बताया था कहता यार जो फल वाले दरख्त है ना हाँ। जब उनपे फल लग जाएगा लालच नहीं करनी जब तक वो दरख्त नहीं बनते कहता नहीं तो पौधा वहीं रुक जाता है उसकी ग्रोथ नहीं होती बाद में आप तरसते ही जाते हैं फल पूरे हमने तो और साल डेढ़ तक जो है ना इस पे दो चार अंब लग जाने हमने उनको पकने नहीं देना हमने उनका बूर उतार देना जिस दिन लगेगा उसमें उतार दूंगा इसका मतलब मैं आ गई बहुत तेज हूँ वो भी चल गई है वो भी चल गई है उसको आज करा लो फिर ये कहाँ जा रहा है पता है वो कूपेक्स डालने जा रहा पीछे एलोवेरा इन दोनों के सेंटर में डाल इधर से मैं आया नहीं नहीं पहले जगह ढूंढ फिर कहाँ लगने जगह क्या वो उधर लगाओ दो पौधे नींबू के उस तरफ दो इधर नींबू के इस तरफ लगाओ दो तीन इधर लगा दो मैं तो ये बताता हूँ उसका हाल क्या है एक इन दोनों के यहाँ लगा दो एक नहीं दो दो लगाओ यार वो बहुत खिला रहे थे कोई नहीं हो लेना दे असल में ना वो इतना पुराना है उसको निकाल के फेंकने का दिल नहीं करता तो हमें टकेगा फायदा नहीं है उसका और कोई जगह नहीं है उन दो नींबू के सेंटर में लगा दो वहां लगा लो खैर लेकिन आज लगा लो इसके लिए तो इतनी मेहनत भी नहीं है यार उसके कितना देना भला इसको भी है टाइम देखता हूँ मोबाइल पर मैं बड़े मजे से ना आज घड़ी उतार के जेब में डाली मैं स्पॉटी चेक करता हूँ मैंने डेट चेक की अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए टाइम गुजर ही नहीं रहा जैसे हमारे सब्सक्राइबर नहीं ना बढ़ रहे वही 950 पे जैसे हमारे आंडों पे किसी ने जादू किया ना हमारे सब्सक्राइबर पे भी कर दिया किसी ने इसको नहीं और कोई काम भाई मक्खी ढूंढ ढूंढ के खाती है ये वो निशान आ गई अच्छा हमसे नहीं मक्खी पकड़ी जाती ये उसको बिल्ली को डाल दे खाती है वो ये काल काटे हैं क्या आज काटे हैं हाँ यार इस क्यारी को भी सेट कराना है उसे यार क्यारी को ना 6-6 इंच नीचे डाउन कराना है मेहनत तलब काम है ये माली से करवाएंगे हाँ इधर कितना मजा आएगा जैसे मरिए कहने हुई है ये भी वहां बैठ के ना तो उस वाली नीम को देख के मैं देखा है मुझे बड़ा मजा आया है फिर मेरा दिल किया मैं उसको छांक दूं वीर
क्या लगता है न्याजी आएगा आज? यार न्याजी ना कल दस्तबरदार हुआ हुआ था, वहां बड़ा पैंपर लगा लेता। पहले कहता अगर मैं ठीक हुआ तो मैं लगाऊंगा, बाद में कहता यार ऐसा कर जो कुछ मैं तेरे पूछ दे ले। आज तो ऐसे आना चाहिए उसको, आज उम्मीद है आ जाएगा। कीड़ों ने चंगा तंग किया हुआ था हमें, कीड़ों का हल किया है। अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है अंडा, ये जोड़ा मेरा बहुत अच्छा है, एक बच्चा पाल रहा है और साथ अंडा उन्होंने दे भी दिया। इधर के इधर भी दो अंडे हैं, कहीं हरून की बात सच्ची ना हो जाए कि हमारा दाना नहीं ठीक था, जब से दाना चेंज किया ना हमारा ना मामला बेहतर हो गया। यहाँ पर उतरी है, उतरी टांग पर चढ़ गए, मरते मरते आखिरी जल्दी काटने लगे थे मुझे। तूने बड़ी बड़े काने लगाए हैं झाड़ू के, तीन तीन तीले। यार मैं कि मुझे नहीं मिला कोई चीज उस टाइम, अब इतने पौधे में मैं इतनी बड़ी छोटी थोड़ी निकाल लगा रहा। इसका मकसद ये है कि पत्तों को बस हवा में रखना है, इसके नीचे पाइप बड़े बड़े ना गल जाते हैं पत्ते। चलो हम लोग एलोवेरा लगाते हैं और न्याजी का इंतजार करते हैं। इतने दिनों बाद छुट्टियों के बाद वो आ रहे ना, उसको कुछ खाने को लेके आना चाहिए। हम लोग निकले हैं अभी उसके लिए एलोवेरा शिफ्ट करने के लिए, चकोरे बंद करने लगे हैं तो एक चकोर साहब जो है वो अब मिल नहीं रही, पता नहीं किधर गई है, उसको ढूंढते फिर रहे हैं। नजर आई वो कबूतरों के अंदर भी चली जाती होती है, तो देखी जरा अब तो ये भी हमने कटा दी है, इसके अंदर भी नहीं छुप सकती। नहीं तीन तो उधर फेर रही है, चौथी पता नहीं किधर गई है। नया ही काम पड़ता है हमें, पता नहीं किधर गई है अब। नहीं इधर तो काम ही कोई नहीं है, ये गिनी फॉल कहाँ है अपनी? पता नहीं किधर गई है, उधर कहीं से आवाज आ रही है उसकी। इधर भी कहीं नहीं है, बाहर तो निकल गई, पता नहीं किधर गई है। नजर आई? यार अभी तो चार पूरी थी। हाँ घंटा पहले इधर जा रही थी, दरवाजा बंद था। कैमरे में देख किधर हो गई है, इधर तो मैंने सारा देखा है, इधर नहीं है।
जब मैं उधर खड़ा होता हूँ ना उधर मुझे आवाज आती, पता नहीं इनकी आवाज आती पता नहीं उस वाली की आती है। एक है अभी ग्रे से रंग की, पता नहीं किधर जाके बैठ गई है, इधर तो जा ही नहीं सकती, पता नहीं किधर की। मैं बाहर देख के आता हूँ जाके। हमारी गिनी फॉल ने ऐसा जो है ना ड्रामा लगाया है, हालांकि मैं वहाँ पे दो दफ़ा होके आया हूँ, वो ना उस जगह पे झाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और मुझे दो दफ़ा गुजरने पे लाइट मारने पे कैमरा मारने पे तब नहीं नज़र आई। भेज आया उसको, मैंने कहा भाई एक दिन मिल रही है, वो सीधा गया और कहता यहाँ पे देखी थी मैंने, वहाँ वहीं बैठी हुई थी। खैर अब हमारा एलोवेरा वाला काम तो हो गया कल पे, ये तो कल उजैर ने फ्रेम बनाया था, ये अभी फिक्स करके ना यहाँ पे, तो फिर हम चले जाएंगे घर और कल को जो है फिर उजैर इस फ्रेम कहाँ पर लग जाएगा, हम लोग जो हैं वो पौधे शिफ्ट करने पर लग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह कल, और जो मैंने बात शुरू में की थी उस पर ज़रा गौर करना है। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।